आप सभी लोगों को नमस्कार। तो अब हम लोग स्टोकेमिस्ट्री के अपने अगले लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स स्टार्ट किया था, जिसमें हमने सबसे पहले लेक्चर में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की डेफिनेशन और कंडीशंस को पढ़ा था। अब हम लोग इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं एक क्वेश्चन के साथ, ताकि हम यह पता कर सकें कि हमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स देखना आया या नहीं आया। देखो, ये आपके सामने एग्जाम्पल है और इस एग्जाम्पल में आपको तीन चार सवाल बताने हैं और एक एक करके मैं सारे सवाल पूछूंगा। आपको बताना है ये दोनों ही कंपाउंड आपस में क्या है। पहला तो कंपाउंड आपके सामने ये लिखा हुआ है और दूसरा कंपाउंड आपके सामने ये लिखा हुआ है। अब इन दोनों ही कंपाउंड में आपको कमेंट करना है। अब कमेंट किस किस पॉइंट पर करना है, तो सबसे पहला पॉइंट है क्या यह कंपाउंड आइसोमर है। उसके बाद दूसरा आपको ये कमेंट करना है, अगर ये आइसोमर है तो क्या यह स्ट्रक्चरल आइसोमर है या फिर यह स्टीरियो आइसोमर है, इसके बारे में आपको बताना है। अगर यह स्टीरियो आइसोमर है तो यह कौन से हैं, कॉन्फिगुरेशनल हैं या फिर कॉन्फर्मेशनल हैं, कॉन्फिगुरेशनल और कॉन्फर्मेशनल। और अगर यह कॉन्फिगुरेशनल है तो कॉन्फिगुरेशनल में कौन सा है, ज्योमेट्रिकल है या फिर ऑप्टिकल है। तो हर सवाल जो आ रहा है उसमें आपका आंसर छुपा है पहले वाले सवाल का। अब आप लोगों को मैंने अभी अभी सिखाया बहुत अच्छे से और उम्मीद करता हूँ आप इन सभी क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हो। कैसे, ज़रा ध्यान समझना। अगर मैं इन दोनों ही कंपाउंड को देखता हूँ तो सबसे पहला सवाल है आइसोमर पे। तो आइसोमर के लिए आपको क्या चेक करना होता है, आइसोमर के लिए आपको मॉलिकुलर फॉर्मूला चेक करना होता है। यदि मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम आ जाए, ज़रा ध्यान से देखो क्या इन दोनों का मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम है। देखो, यहाँ पर जितने कार्बन एटम्स यहाँ हैं उतने ही कार्बन एटम्स यहाँ हैं, जितने क्लोरीन एटम्स यहाँ हैं उतने ही क्लोरीन एटम्स यहाँ हैं और जितने हाइड्रोजन एटम्स यहाँ हैं उतने ही हाइड्रोजन एटम्स यहाँ हैं। मतलब जो एटम्स आपको पहले कंपाउंड में देखने को मिल रहे हैं वही एटम आपको दूसरे कंपाउंड में भी देखने को मिल रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारा मॉलिकुलर फॉर्मूला क्या है, सेम। यदि हमारा मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम है तो हम इनको आइसोमर कह सकते हैं। अगर आइसोमर कह सकते हैं तो अब सवाल आ रहा है स्ट्रक्चरल आइसोमर है या स्टीरियो आइसोमर है। जरा ध्यान से देखना, अगर मैं इसको कार्बन नंबर वन कहता हूँ इसको कार्बन नंबर टू कहता हूँ, इसको मैं कार्बन नंबर वन कहता हूँ इसको मैं कार्बन नंबर टू कहता हूँ। देखना, कार्बन नंबर वन से सीएल लगा है और यहाँ पर कार्बन नंबर टू से एक सीएल लगा है। देखो, यहाँ पे कार्बन नंबर वन से एक सीएल लगा है और यहाँ पर कार्बन नंबर टू से एक सीएल लगा है। तो मतलब जो आपकी कनेक्टिविटी है, अगर मैं कनेक्टिविटी पे कमेंट करूंगा तो हम बोलेंगे यहाँ पर हमारी कनेक्टिविटी क्या है, सेम। और अगर कनेक्टिविटी सेम है तो हम यह कहेंगे कि हमारे पास यह है स्टीरियो आइसोमर है, ना कि स्ट्रक्चरल आइसोमर। बस एक एक करके आपको ऐसे ही सवालों के जवाब देने हैं। इस सवाल में बात करते हैं क्या ये कॉन्फिगरेशनल है या कॉन्फर्मेशनल। मैंने क्या बोला था, अगर ये आपस में आप दोनों इंटर कन्वर्ट करो और ये आपस में इंटर कन्वर्ट बिना बॉन्ड तोड़े हो जाए तो क्या है, कॉन्फर्मेशनल। अगर बॉन्ड तोड़कर ही आपस में इंटर कन्वर्ट हो तो कॉन्फिगरेशनल। देखो, जरा ध्यान समझना, यहाँ पर जब आप इस बॉन्ड को तोड़ोगे और इस बॉन्ड को तोड़कर यहाँ पर लगाओगे तब जाके ये इसकी तरह स्ट्रक्चर नजर आएगा। फिर से समझो, जब आप इस बॉन्ड को तोड़ोगे, इस बॉन्ड को तोड़कर यहाँ पर सीएल लगाओगे और ये एच यहाँ पर आ जाएगा तब जाकर इसकी तरह बन जाएगा। तो मतलब हम यही बोलेंगे कि इन दोनों कंपाउंड को आपस में इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं ओनली बाय बॉन्ड ब्रेकिंग, और कोई तरीका नहीं है। तो इसीलिए ये हमारे पास क्या है, कॉन्फिगरेशनल आइसोमर, ना कि कॉन्फर्मेशनल आइसोमर। और हम लोगों ने ये पढ़ा था कि कॉन्फिगरेशनल दो तरह के होते हैं, एक ज्योमेट्रिकल और एक ऑप्टिकल। तो हम लोगों ने ऑप्टिकल आइसोमर की डेफिनेशन जरूर पढ़ी थी, लेकिन हमने पिछले क्लास में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के बारे में बहुत सारी बातें जान चुकी हैं। तो जरा इन कंपाउंड्स को ध्यान से देखिएगा, समझाऊं, क्या इस कंपाउंड में रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम है। बिल्कुल, अगर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम है तो जरा ही दोनों के टर्मिनल पे ध्यान दो। अगर दोनों के टर्मिनल पे ध्यान दोगे तो यहाँ पर भी क्या है, ग्रुप्स अलग है, यहाँ पर भी क्या है, आपके पास एटम्स अलग हैं।
ठीक है। और हमने यही सीखा था ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होने के लिए दो कंडीशंस होती हैं मेनली। सबसे पहली कंडीशन क्या होती है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन क्या होती है कि वहां पर जो रेस्ट्रिक्टेड कार्बन एटम्स हैं उस पर डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट होने चाहिए। तो हम कह सकते हैं ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, लेकिन अकेले में क्या आइसोमर, आइसोमर जो टर्म ही है वो दो कंपाउंड्स के लिए है, तो हम बोलेंगे ये दोनों आपस में ज्योमेट्रिकल आइसोमर है। पॉइंट को समझो बहुत ध्यान से। अभी तक जो हम बात कर रहे थे वो एक कंपाउंड को बोल रहे थे कि जीआई शो करेगा, जीआई शो करेगा, तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब दुनिया में एक और कंपाउंड उसकी तरह होगा जो आपस में इंटरकन्वर्ट सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड ब्रेकिंग के थ्रू हो पाएगा। इस बात को थोड़ा अच्छे से समझना है, तो हम कहेंगे ये जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर है ना कि ऑप्टिकल आइसोमर। तो क्लियर है आपको, ये आपस में क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो यही बात मुझे समझानी थी। अब याद करो हमारा जो पहला लेक्चर था, उस पहले लेक्चर में मैंने यही एग्जांपल्स लिए थे जिससे आपको मैंने स्ट्रक्चरल आइसोमर स्टीरियो आइसोमर्स के बीच में डिफरेंस समझाया था। फिर मैंने आपको यही एग्जांपल लिए जिससे मैंने आपको कॉन्फिग्रेशनल और कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स के बीच में डिफरेंस समझाया। अब मैं आपको यही एग्जांपल ले रहा हूं जो आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स समझा रहे हैं। तो अब तक एकदम क्लियर अच्छे से एकदम। तो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं जहां पर हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के बारे में पढ़ेंगे। अब कौन कौन से डिफरेंट सिस्टम्स हैं जहां पर हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की स्टडी करने वाले हैं, उन सभी की बात करते हैं। देखो सबसे पहले ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में हमें क्या पढ़ना है इसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमें डिफरेंट सिस्टम्स देखने हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में, जो कि अभी मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। आपको डिफरेंट सिस्टम समझाने हैं। अब वो डिफरेंट सिस्टम कौन कौन से होंगे उसकी हम डिटेल में बात करेंगे अभी। दूसरा आपको मैं नॉमनक्लेचर समझाऊंगा, जीआई में नॉमनक्लेचर होता है, और यहीं पर थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। तो दो नॉमनक्लेचर होते हैं, एक तो आपके पास सिस ट्रांस नेमिंग होती है, सिस ट्रांस नेमिंग होती है, और एक आपके पास ई जेड नेमिंग होती है, एक आपके पास ई जेड नेमिंग होती है। और इसी ई जेड नेमिंग में हम लोग सीखेंगे सी आई पी रूल। अब क्या होता है क्या नहीं, ये सब हम अभी डिटेल में बात करेंगे धीरे धीरे, लेकिन ये टॉपिक्स पढ़ने जा रहे हैं। उसके बाद हम लोग जो तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे, वह तीसरा टॉपिक होगा हमारे पास कैलकुलेशन ऑफ जीआई। फिर हम लोग जो फोर्थ टॉपिक पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ जीआई। कुछ इम्पॉर्टेंट जनरल प्रॉपर्टीज़ हैं जीआई की, उनको हम डिस्कस करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ जीआई। फिर हम पढ़ेंगे एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, रिएक्शंस लीड टू जीआई, एक ये वाला टॉपिक भी पढ़ेंगे, और एक इंटरकन्वर्जन ऑफ जीआई। तो दोनों ही टॉपिक को मैं लिख देता हूँ, रिएक्शंस लीडिंग टू जीआई, मतलब कुछ ऐसा भी होता है कि रिएक्शंस की वजह से ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स देखने को मिल जाते हैं, मिसलेनियस टॉपिक्स में आ जाएगा। और एक लास्ट में जे डबल ई वालों का एक फेवरेट टॉपिक होता है जो कि आपके जैम नेट गेट में कभी भी पूछा जा सकता है ना, नेट में तो पार्ट बी में पूछेगा, लेकिन जैम में एक अच्छा क्वेश्चन बहुत अच्छा बन सकता है। तो इंटर कन्वर्जन ऑफ जीआई कि मतलब सिस को आप ट्रांस में कैसे कन्वर्ट कर रहे होगे। तो हमें ये पूरी बातें पढ़नी है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में, जिसमें हमारा जो सबसे पहला हेडिंग है वो है डिफरेंट सिस्टम, और इसी पर आपको एक अच्छा समय बिताना है जहां पर आपको मैं जीआई देखना सभी सिस्टम में सिखाऊंगा। तो आइए अब हम बात कर लेते हैं जीआई के अंदर डिफरेंट सिस्टम। हमारा हेडिंग चल रहा है ज्योमेट्रिकल आइसोमर, और ज्योमेट्रिकल आइसोमर के अंदर हम जो सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं वह डिफरेंट सिस्टम के बारे में जानने जा रहे हैं कि आखिरकार हमें किस किस सिस्टम के बारे में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स देखना आना चाहिए। तो देखो सबसे पहले आपके पास जो सिस्टम है वह सिस्टम है एल्कीन। आपको एल्कीन सिस्टम पे बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि जीआई होगा या नहीं होगा। उसके बाद जो हम दूसरा सिस्टम उठाने वाले हैं वह सिस्टम होता है आपके पास साइक्लोएल्केन। ये दोनों ही थोड़े से मतलब ज़्यादा फेमस होते हैं और ज़्यादातर टीचर्स यही पढ़ाते हैं, लेकिन इसके बाद जो भी अब कंपाउंड्स आएंगे वो मिसलेनियस कंपाउंड्स होंगे और वही कंपटीशन में ज़्यादातर पूछे भी जाते हैं। जैसे अगर मैं थर्ड बात करता हूँ तो हमारे पास एग्जाम्पल होता है साइक्लोएल्कीन्स का, जहाँ पर साइक्लोएल्कीन्स में हम कार्बन ग्रेटर देन इक्वल टू 8 वाली स्टडी करेंगे। रीज़न क्या है इसको हम लोग थोड़े से बाद में पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। फोर्थ वाला जो पॉइंट है वो है हमारे पास ऑक्साइम के बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि
कि आखिरकार ऑक्साइंस में किस तरीके से ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स देखने को मिलने वाला है। फिर जो हमारे पास फिफ्थ पॉइंट है, कुछ ऐसे कंपाउंड्स होंगे जहां पर नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा और कुछ इस तरीके का आपको तस्वीर देखने को मिलने वाला है, ठीक है। फिर हमारे पास एक केस आ जाता है क्यूमिलिन्स का। अब क्यूमिलिन्स कौन से कंपाउंड होते हैं? क्यूमिलिन्स हमारे पास वो कंपाउंड होते हैं जहां पर एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड आती हैं और क्यूमिलिन्स के अंदर हम लोग आइसोलेटेड, कॉन्जुगेटेड और एक हमारे पास क्यूमुलेटेड, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है क्यूमिलिन्स का, ठीक है, जहां पर हमारे पास एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड होती है। हम बात करेंगे और उस एक से ज़्यादा का जो डबल बॉन्ड है उसका प्रेजेंस कैसा होता है इसके ऊपर भी हम बात करने वाले हैं। फिर हमारे पास एक कैटेगरी ऑफ कंपाउंड होती है स्पायरेंस। स्पायरेंस के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम लोग एक लास्ट कैटेगरी और होती है साइक्लोएल्काइलिडीन्स। साइक्लोएल्काइलिडीन्स, ठीक है, साइक्लोएल्काइलिडीन्स की बात करने वाले। तो मतलब ये कुछ हमारे पास डिफरेंट सिस्टम है जिसके ऊपर हम जीआई की बात करने वाले हैं, ठीक है, क्लियर एकदम अच्छे से। अब हम लोग सबसे पहला सिस्टम जो अपना पिकअप करते हैं वह है एल्कीन सिस्टम की बात करते हैं। तो एल्कीन सिस्टम से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो हम वही एकदम बेसिक कि जीआई होने की कंडीशन क्या होती है इसको मैं यहाँ पर एक सिस्टम से आपको समझा देता हूँ। देखो, सबसे पहले यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है कुछ इस तरीके से, और कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में यहाँ पर आपके पास क्या लगा है, ए लगा है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, यहाँ डी है। सबसे पहली जो कंडीशन मस्त कंडीशन होती है कि यहाँ पर एटलीस्ट वन बॉन्ड होनी चाहिए जहाँ पर क्या हो, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो, या फिर यूँ कह लो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम प्रेजेंट होना ही चाहिए। तो इस डबल बॉन्ड के अलावा रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है तो यहाँ पर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम प्रेजेंट है। और यहाँ पर कंडीशन हमने क्या पढ़ी थी कि जो ए है वो बी के बराबर नहीं हो सकता और जो सी है वो डी के बराबर नहीं हो सकता। लेकिन साथ ही अगर हम बात करते हैं ए सी के बराबर हो सकता है और बी डी के बराबर हो सकता है, ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। मतलब जो आपके रेस्ट्रिक्टेड कार्बन एटम्स हैं, रेस्ट्रिक्टेड कार्बन एटम्स हैं, उन पे डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट होने चाहिए। रेस्ट्रिक्टेड कार्बन एटम पर डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट होने चाहिए तो ये सिस्टम आपका जीआई शो करेगा। बाकी अगर इस सिस्टम में थोड़ा सा अगर आप चेंज कर दो, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम ना हो, ये दोनों ग्रुप सेम हो या फिर ये दोनों ग्रुप सेम हो तो वहां पर जीआई शो नहीं होगा। ऐसे हमने एग्जांपल्स पिछले क्लास में किए भी थे बहुत सारे, तो आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बताना चाहता हूं। कुछ और एक दो एग्जांपल्स मैं आपके सामने उठाना चाहता हूं। जैसे सबसे पहला ही जो एग्जांपल था वो एल्कीन का ही एग्जांपल था, फिर भी यहां पर एक स्टैंडर्ड एग्जांपल लेता हूं मैं, सी डबल बॉन्ड सी, एग्जांपल नंबर वन। यहां पर क्या है आपके पास COOH, ऐसे ही यहां पर आपके पास क्या है COOH, यहां पर H और यहां पर H, यहां पर आपके पास क्या है सी डबल बॉन्ड सी, यहां पर आपके पास क्या है सी डबल ओ एच, यहां पर H, यहां पर H, यहां पर आपके पास सी डबल ओ एच, क्लियर है। अब मेरा सवाल आप लोगों से ये है, क्या ये दोनों कंपाउंड आपस में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं? तो सबसे पहले आप ये चेक क्या करो, क्या ये आइसोमर्स हैं? तो ये चीज़ थोड़ी स्पीड में आ जाएगी, क्योंकि अगर आप अभी नए हो आइसोमर्स या स्टीरोकेमिस्ट्री में तो थोड़ा सा डिफिकल्टी हो सकता है, लेकिन जैसे ही आप ज़्यादा समय बिताओगे आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। अगर मैं इन दोनों कंपाउंड्स की बात करता हूँ तो ये आपस में क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है। कैसे, ज़रा ध्यान समझना। यहाँ पर आपके पास क्या है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम है, सबसे पहली कंडीशन तो ये है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम है। उसके बाद देखो इस वाले टर्मिनल पे देखो, यहाँ पर COH है और यहाँ पर H है, डिफरेंट सब्सटेंट है, और इस वाले टर्मिनल पर यहाँ पर COH है और यहाँ पर H है, डिफरेंट सब्सटेंट है, बस इतना ही समझना है। तो हम बोल सकते हैं यह कंपाउंड्स क्या करेंगे, GI शो करेंगे, या यह कंपाउंड आपस में एक दूसरे के GI हैं। इस बात को बोले तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। इस कंपाउंड का नाम होता है मैलिक एसिड, थोड़ा सा याद कर लो आगे चल के काम आने वाला है। इनका मॉलिकुलर फॉर्मूला एक ही है, बस इनके स्टीरियोकेमिस्ट्री या स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम में फ़र्क होने की वजह से इनका देखो नाम भी चेंज हो रखा है। एक को हम बोलते हैं मैलिक एसिड और एक को हम बोलते हैं फ्यूमेरिक एसिड। तो क्या आप स्टीरियोकेमिस्ट्री के इम्पोर्टेंस को समझ रहे हो? अगर मैं एक ही कंपाउंड का मॉलिकुलर फॉर्मूला यहाँ पे लिखता तो आप मैलिक और फ्यूमेरिक नहीं बता पाते, अगर मैं जब तक इनके स्ट्रक्चर को अच्छे से, इनके स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स को नहीं दिखा रहा होता। ऐसे ही अगर मैं दूसरे एग्जांपल की यहाँ पर बात करता हूँ तो देखो हमारे पास एक एग्जाम्पल है ब्यूटटीन। अब ब्यूटटीन को हम लोग दो तरीके से लिख सकते हैं, जरा ध्यान से देखना। ब्यूटटीन का स्ट्रक्चर क्या होता है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3।
एक तो तरीका इसका ये होगा सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पर आपके पास क्या है सी एस थ्री है, यहाँ पर आपके पास क्या है सी एस थ्री, यहाँ पर आपके पास H है और यहाँ पर आपके पास H है। ऐसे ही एक तरीका और होगा C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर आपके पास सी एस थ्री है, यहाँ पर H है, यहाँ पर H है और यहाँ पर सी एस थ्री है। जरा दोनों ही कंपाउंड्स को अगर आप ध्यान से देखोगे तो दोनों ही कंपाउंड्स में रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम है और दोनों ही कार्बन जो रेस्ट्रिक्टेड कार्बन है उनके अलॉन्ग क्या है डिफरेंट सब्सटेंट है। तो हम कहेंगे ये कंपाउंड आपका जी आई शो करता है। बस इसी डिफरेंट डिफरेंट बातों को हमें बहुत अच्छे से सीखना है और यही होता है आपके पास सिर्फ एल्कीन का। तो मतलब एल्कीन के केस में ज़्यादा बचा नहीं है कुछ पढ़ने के लिए आपकी। मैंने स्टार्टिंग भी जी आई की एल्कीन के केस से ही की तो बहुत सारे एग्जाम्पल भी करवा दिए हैं, तो इस पर अब ज़्यादा हम लोग टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अब हम लोग आगे स्टार्ट करने वाले हैं साइक्लो एल्कीन के केस में। यहाँ पर मैं कुछ और डिफरेंट एग्जाम्पल्स लूँगा जो कि आपको थोड़ा और अच्छे से देखना सिखाएंगे कि आखिरकार जी आई है या नहीं है। तो अब हम बात करते हैं जी आई में अपना सेकेंड डिफरेंस सिस्टम जिसका हमारे पास नाम है साइक्लो एल्कीन्स। देखना थोड़ा सा इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट केस है जिसमें थोड़ी सी कन्फ्यूज़न होती है, लेकिन मैं आपको एक स्टैंडर्ड जनरल एग्जांपल लिखता हूँ जहाँ पर आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएंगी। देखो ये हमारे पास क्या है, एक साइक्लोप्रोपेन है, साइक्लो एल्केन है, यहाँ पर आपके पास क्या है ए है और यहाँ पर आपके पास क्या है बी है, ठीक है। अब अगर मैं देखता हूँ तो इन दोनों ही में से मैं कहीं पर भी यदि एक और क्या कर देता हूँ सब्स्टिट्यूशन कर देता हूँ तो हमारा जी आई बनने वाला है। कैसे, जरा ध्यान समझना, यहाँ पर मैं कर देता हूँ सी और यहाँ पर मैं कर देता हूँ डी। अब जरा ध्यान से समझना, ये मेरे पास जो ये वाली बॉन्ड है या फिर ये जो पूरा सिस्टम है इस सिस्टम के अलोंग ही हमारा पास क्या है रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम है। उसके बाद हमें एक बात याद रखनी है कि जो ए है वो नॉट इक्वल टू बी होगा और जो सी है वो नॉट इक्वल टू डी होगा, लेकिन हम साथ में एक बात बोल सकते हैं कि ए सी के बराबर हो सकता है और बी डी के बराबर हो सकता है। मतलब एक ही कार्बन पर दो सेम ग्रुप नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो हम अगर इसको जनरल में बात करें, जनरल में लोग बोल सकते हैं साइक्लो एल्केन शोज जी आई, इन जनरल साइक्लो एल्केन शोज जी आई इफ़ दे आर डाई सब्स्टिट्यूटेड, इफ दे आर डाई सब्स्टिट्यूटेड अदर देन 1.1 पोजिशन। देखो यदि आपके पास कोई भी साइक्लो एल्केन डाई सब्स्टिट्यूटेड है, मतलब दो ग्रुप लगे हैं लेकिन सिर्फ एक ही पोजिशन पर नहीं डिफरेंट कार्बन एटम्स पे, जैसे अगर मैं इस कार्बन की बात करता हूँ तो आप बोलोगे सर दो ग्रुप हैं डाई सब्स्टिट्यूटेड है, नहीं इसकी बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ डाई सब्स्टिट्यूटेड अदर देन 1.1 पोजिशन, इस पोजिशन के अलावा भी एक कोई सब्स्टिट्यूट ग्रुप लगा हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, बहुत छोटे एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे और आपको सारी चीज़ें क्लियर होने वाली हैं। देखो अगर मैं सबसे पहले इस एग्जाम्पल की बात करता हूं तो आप मुझे बताइए क्या यहां पर जी आई शो होने वाला है, सबसे आसान और सबसे छोटा एग्जाम्पल साइक्लो एल्केन का। तो जरा अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम तो है, हमें एक बात पक्की पता है कि साइक्लो एल्केन्स में क्या है रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम है, तो इसको अब बार बार देखने की जरूरत नहीं है। जो दूसरा पॉइंट है उस पॉइंट को बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है कि जो रेस्ट्रिक्टेड कार्बन एटम्स हैं उस पर डिफरेंट डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट होने चाहिए। तो जरा ध्यान से देखो, अगर मैं इस रेस्ट्रिक्टेड कार्बन एटम पे देखता हूँ जिसके लॉन्ग रोटेशन बंद है तो यहाँ पर H है, यहाँ पर H है, और अगर मैं इसको देखता हूँ तो यहाँ पर H है, यहाँ पर H है, अगर मैं इसको देखता हूँ तो यहाँ पर H है और यहाँ पर H है। हम लोगों ने क्या पढ़ा था कंडीशंस में, हम लोगों ने कंडीशंस में पढ़ा था सबसे पहली कंडीशन रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम होना चाहिए, दूसरी कंडीशन कि जो टर्मिनल हैं जिनके अलोंग रेस्ट्रिक्शन है वहां पर वह डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट होने चाहिए, डिफरेंट सब्स्टिट्यूटेड होने चाहिए। देखो इस पर सेम लगा है, इस पर भी सेम लगा है, इस पर भी सेम लगा है, तो आप क्या दो टर्मिनल खोज पा रहे हो, नहीं खोज पा रहे हो। तो इसी पॉइंट को आपको समझना था, तो हम बोलेंगे यहां पर आपका यह कंपाउंड जी आई शो नहीं करने वाला है। अब अगर मान लो मैं अगले एग्जांपल की बात करता हूं, अगले एग्जांपल में क्या होने वाला है जरा ध्यान देखना, यहां पर मैं लगा देता हूं CH3। चलो इस वाले कंपाउंड में बताओ कि जीआई शो होगा या नहीं होगा, तो आप कैसे बोलोगे क्या इसमें रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम देखने की जरूरत पड़ेगी, नहीं इसको तो देखना ही नहीं है, जितने भी साइक्लो एल्केन हैं उन सभी में रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम होता है। फिर क्या देखना है, देखो इस वाले कार्बन जरा ध्यान से देखोगे तो यहां पर क्या है सी एस थ्री है और यहां पर एच है, मतलब इस वाले कार्बन पर तो दो अलग अलग ग्रुप हैं, क्या अब आपको और कोई कार्बन दिख रहा है,
जिस पर दो अलग अलग ग्रुप लगे हों। जरा ध्यान देखो, इस वाले कार्बन पर भी H और H लगा है, इस वाले कार्बन पर भी H और H लगा है, तो कम से कम दो होने चाहिए कार्बन जहां पर दो अलग अलग ग्रुप लगे होने चाहिए। क्या पॉइंट क्लियर एकदम अच्छे से? तो हम बोलेंगे यहां पर हमारे पास जी आई शो नहीं करेगा। क्या आपको दोनों में रीजन समझ में आ रहा है जी आई शो क्यों नहीं करने वाला? चलो तीसरे एग्जाम्पल से बहुत अच्छे समझ में आएगा। अगर मैं तीसरा एग्जाम्पल उठाता हूं तो आपके पास कुछ ऐसा है, यहां पर क्या है CH3 है और यहां पर क्या है CH3 है। बताओ इस कंपाउंड में किस तरीके से बताने वाले हो? जरा ध्यान से देखना कैसे बताओगे। क्या रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम है? इसको तो देखने की जरूरत ही नहीं है, साइक्लोएल्केन है, मैंने पहले ही बता दिया इन सब में रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम प्रेजेंट है। देखो इस वाले कार्बन पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर CH3H, देखो जरा ध्यान से, इस पर दो तरह के इलेक्ट्रॉन क्लाउड या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट है। और अगर आप जरा ध्यान से यहाँ पर भी देखोगे तो इस पर भी क्या है प्रेजेंट है CH3 और H प्रेजेंट है। तो हम बोलेंगे यही तो कंडीशन हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये अगल बगल भी हो सकते हैं या दूर दूर तक भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम दो टर्मिनल ऐसे होने चाहिए जहाँ पर डिफरेंट सब्स्टिट्यूटेड होने चाहिए। तो हम बोलेंगे यहाँ पर आपके पास GI शो होने वाला है। क्लियर एकदम अच्छे से? अब मान लो अगर मैं एक और एग्जांपल उठाता हूं कुछ इस तरीके से, अब बताना आप इस वाले केस में क्या होने वाला है। यहां पर आपके पास CH3 है, यहां पर आपके पास CH3 है, यहां पर आपके पास C2H5 है, यहां पर आपके पास CH3 है। बताइए इस वाले केस में क्या होने वाला है? अगर जरा इस वाले केस में ध्यान से देखोगे, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम देखने की जरूरत पड़ेगी? बिल्कुल नहीं देखने की जरूरत पड़ेगी। इस वाले कार्बन पर क्या है, दो ग्रुप हैं, लेकिन वो जो दोनों ग्रुप हैं वे सेम हैं। कम से कम दो ऐसे कोने होने चाहिए जिस पर अलग अलग ग्रुप लगे हों, वो आजू बाजू भी हो सकते हैं या दूर दूर तक भी हो सकते हैं। इस पॉइंट को मैं लिखाऊंगा, ठीक है? तो यहां पर दोनों ही क्या है, सेम है, जिसकी वजह से यहां पर जी आई देखने को नहीं मिलेगा। मान लो अगर मैं एक ऐसा क्वेश्चन देता हूं, यहां पर आपके पास CH3 था, यहां पर भी आपके पास CH3 है, यहां पर आपके पास CH3 है और यहां पर आपके पास CH3 है, बताइए क्या इस वाले केस में GI होगा? जरा ध्यान से देखिएगा, इस वाले सिस्टम में रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम है। क्लियर एकदम अच्छे से? अब जरा देखो इस वाले कार्बन पे तो भैया सेम आ गए, यहां से तो GI नहीं होगा, ये तो साफ साफ बोल रहा है, मैं GI नहीं दिखाने वाला। लेकिन अगर आप इस वाले कार्बन पे जाओगे तो यहां पर CH3 है, तो यहां पर H भी तो है, और यहां पर CH3 है तो यहां पर H भी तो है। तो हम बोलेंगे यहां पर दो कोने मिल चुके हैं, तो यहां पर GI शो होने वाला है। तो एंड में इन पांच एग्जाम्पल से मैं अगर एक कंक्लूजन निकालूं, फाइनल एकदम लास्ट, जो कभी दिक्कत ना करे हम सबको, तो फाइनल जो कंक्लूजन है वो क्या है, जरा ध्यान से सुनिएगा। हम ये बोलेंगे ऐसे सिस्टम में आपको दो कोने डिफरेंट सब्स्टिट्यूटेड ढूंढने हैं। अब डिफरेंट सब्स्टिट्यूट का मतलब मेरे से मत पूछना, बहुत समझा दिया है, ढूंढने हैं आजू बाजू भी हो सकते हैं और दूर दूर तक भी हो सकते हैं। बस इस पॉइंट को आपको हमेशा रखना है, आपको हमेशा साइक्लोएल्केन में या साइक्लोएल्केन वाले सिस्टम में दो कोने ढूंढने होते हैं, डिफरेंट सब्स्टिट्यूट मतलब दोनों पे ग्रुप अलग अलग हों, दोनों जो ग्रुप लगे हैं अलग अलग होने चाहिए एक कार्बन पर, और वो आजू बाजू भी मतलब अगल बगल में, जैसे कि ये अगल बगल में भी हो सकते हैं या फिर दूर दूर तक भी हो सकते हैं। जैसे दूर दूर का अगर मैं एक एग्जांपल लूँ तो मुझे तो ये एग्जांपल बहुत प्यारा लगता है। जैसे मान लो यहाँ पर क्या है CH3 है और यहाँ पर क्या है CH3 है, बताइए GI शो करेगा नहीं करेगा? सबसे पहले दो कोने ढूंढने हैं जिस पे दो अलग अलग ग्रुप लगे। देखो पहला कोना तो मुझे ये मिल गया जहाँ पर CH3 और H लगा है, अलग अलग ग्रुप लगे हैं। अब आजू बाजू भी सकते हैं, दूर दूर तक भी सकते हैं। देखो ये आजू बाजू वाला तो ये था, लेकिन आप दूर दूर जाएंगे तो ये वाला देखो, तो इस पर भी आपके पास क्या है, दो अलग अलग ग्रुप हैं। तो हम बोलेंगे यहाँ पर ये कंपाउंड GI शो करेगा, बस सिंपल है। अगर आप इस लाइन को अच्छे से समझ जाओगे तो आपके साइक्लोएल्केन के कोई भी सिस्टम के GI कभी भी गलत नहीं होने वाले।
तो यहाँ तक हम लोगों ने जीआई के अंदर दो सिस्टम को बहुत अच्छे से कवर कर लिया है। अब इससे आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अब यहाँ पर टाइम पास नहीं करेंगे कि और क्वेश्चन करवा रहा हूँ और टाइम पास करवा रहा हूँ, नहीं, अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। तो हम लोगों ने साइक्लो एल्केन की बात कर चुकी है, एल्केन की बात कर चुकी है। अब तीसरा जो सिस्टम होता है वो है हमारे पास ऑक्साइम्स। हम ऑक्साइम सिस्टम की बात करते हैं कि आखिरकार सबसे पहले देखेंगे ऑक्साइम होते क्या हैं और ऑक्साइम किस तरीके से जीआई दिखाते हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं अपने थर्ड डिफरेंट सिस्टम की, जिसका नाम है हमारे पास ऑक्साइम्स। तो सबसे पहले हम ऑक्साइम्स का मतलब समझते हैं कि आखिरकार हमारे पास ऑक्साइम्स होते ही क्या है। देखो, अगर मैं इसका मतलब समझाता हूँ तो यहाँ पर हम कुछ इस तरीके समझेंगे कि यदि हमारे पास यहाँ पर क्या है, कोई कार्बोनिल कंपाउंड है, कार्बोनिल कंपाउंड में आपके पास कीटोन भी हो सकता है और एल्डिहाइड भी हो सकता है। तो मैं यहाँ पर जनरल लिख देता हूँ, कार्बोनिल कंपाउंड है, ठीक है। अगर मैं कार्बोनिल कंपाउंड का रिएक्शन करवाता हूँ अमोनिया डेरिवेटिव से, आपको अमोनिया तो पता ही है, इस तरीके से अगर मैं लिखता हूँ तो क्या है, यहाँ पर H2 और यहाँ पर H है। अगर मैं NH3 होता है अमोनिया और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, H की जगह G लगा देता हूँ, G कोई भी ग्रुप ऑफ एटम है, तो यहाँ पर ये जो रिएक्शन होती है एक रिवर्सिबल रिएक्शन होती है और फिवली एसिडिक मीडियम में होती है, वो सब मैं आपको नहीं जाना डिटेल में। और यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल होता है, तो यहाँ पर आपके पास फॉर्मेशन हो जाएगा RCH, यहाँ पर R डबल बॉन्ड N और यहाँ पर G, कुछ इस तरीके से ये रिएक्शन हो रही है। अगर मैं यहाँ पर ये जो G ग्रुप है इसको मैं OH ले लूँ तो हमारे पास यहाँ पर इस कंपाउंड का ही नाम बन जाता है ऑक्साइम। तो ये कंपाउंड आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलने वाला है, RCHR डबल बॉन्ड N और यहाँ पर OH। तो मैं इस कैटेगरी ऑफ कंपाउंड की बात कर रहा हूँ, इसी को हम बोलते हैं ऑक्साइम। और हमें इसी ऑक्साइम में डिस्कस करना है ज्योमेट्रिकल आइसोमर। देखो जरा ध्यान से देखना, अगर मैं इस कंपाउंड को यहाँ पर लिखता हूँ तो ये कंपाउंड कैसा है, ये C है, यहाँ पर क्या है R है, यहाँ पर H भी हो सकता है या फिर R भी हो सकता है, क्योंकि कार्बोनिल कंपाउंड है, अगर H होगा तो एल्डिहाइड होगा, R होगा तो कीटोन होगा, डबल बॉन्ड और यहाँ पर N और यहाँ पर OH और यहाँ पर आपके पास लोन पेयर। जरा इस कंपाउंड को ध्यान से देखो, सबसे पहले मैंने आपको ऑक्साइम समझाया किस तरीके से ऑक्साइम बनता है, अब हमारा जो टॉपिक ऑफ कंसर्न है वो सिर्फ क्या है, ऑक्साइम है, हमें ऑक्साइम की बात करनी है। देखो ऑक्साइम को ध्यान से देखो, क्या ऑक्साइम में रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम है, देखो ध्यान से, बिल्कुल सर बिल्कुल, ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम है। अब देखो अगर इस टर्मिनल को अगर आप जरा ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर क्या अलग अलग ग्रुप लगे हैं, हाँ देखो यहाँ आर है यहाँ एच है। आप बोलोगे सर यहाँ पर भी तो आर है, तो हमेशा याद रखना ये जो आर है वो इस आर के साथ कभी सेम नहीं होगा, तो हम इसको आर डैश लिखेंगे, हम इसको क्या लिखेंगे, आर डैश लिखेंगे। देखो जब रिएक्शन करते हो तो वहाँ पर दोनों आर सेम हो सकते हैं, लेकिन हम जीआई की बात कर रहे हैं, जीआई की कंडीशन को फुलफिल करना है, तो ये जो आर और आर डैश ये कभी भी बराबर नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये तो मस्ट कंडीशन है जो कि दूसरी कंडीशन होती है। और जरा इस वाले टर्मिनल को ध्यान से देखो, तो एक तो आपके पास बॉन्ड पेयर है और एक आपके पास लोन पेयर है, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों अलग अलग इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज होती हैं, तो हम बोलेंगे यहां पर ये मॉलिक्यूल जीआई शो करेगा। जैसे मान लो अगर मैं यहीं पर एक एग्जांपल लेता हूं, एक एग्जांपल उठाता हूं और यहां पर मैं ग्रुप लगाता हूं, देखो CH3 यहां पर C है, यहां पर H है, यहां पे डबल बॉन्ड N है और यहां पर मैं ऐसे लिख देता हूं OH, ठीक है, ऐसे OH लिख देता हूं, तो आप समझ रहे हो अगर मैं ऐसे लिखूं या फिर मैं ऐसे लिखूं या फिर मैं सीधे सिर्फ ऐसे लिखूं, इन तीनों का मतलब एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन पर लोन पेयर तो रहेगा ही, अगर मैं लोन पेयर को नहीं दर्शा रहा इसका मतलब गायब थोड़ा ना हो गया है, ठीक है, तो ये वाली बात है। तो देखो ये वाला सिस्टम क्या जीआई दिखाएगा, आपको ये सवाल है। देखो सबसे पहले यहाँ पर क्या है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम है, बिल्कुल सर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम है। इस वाले टर्मिनल पर दोनों ग्रुप क्या है, अलग अलग, और इस वाले टर्मिनल पर दोनों ग्रुप क्या है, अलग अलग, बॉन्ड पेयर लोन पेयर अलग अलग होते हैं, तो हम बोलेंगे यहाँ पर आपके पास जीआई शो हो रहा है। बस इसी तरीके से आपको ऑक्साइम्स के किसी भी कंपाउंड्स में जीआई शो करनी है, लेकिन जो क्वेश्चन होते हैं जीआई के इन केस ऑफ ऑक्साइम वो इस तरीके से नहीं आते, क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडिफिकेशन के फॉर्म में आता है, वो आता है रिएक्ट विथ NH2OH, यही अमोनिया का डेरिवेटिव है, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्सिल अमीन। ये सब बातें छोटी छोटी बातें होती हैं, लेकिन आपको पता होनी चाहिए, कब आपको स्ट्रक्चर ना देके नाम पूछ ले, ठीक है, तो इसलिए नेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वर्निंग केमिस्ट्री में।
तो रिएक्ट विथ NH2OH पहला कंपाउंड क्या है, फॉर्मल्डिहाइड। आपको जो क्वेश्चन अटका सकता है वो नेमिंग में अटका सकता है कि आपको सीधा ऑक्साइम ना बनाए, पहले तो आप ये कर सकता है वो, और दूसरा आपको नेमिंग दे दे। देखो क्वेश्चन को पूछने का तरीका देखना कि यहाँ पर आपको रिएक्ट करवा के फॉर्मल्डिहाइड के साथ फिर बताना है क्या ये GI शो करेंगे नहीं करेंगे, क्या मेरे क्वेश्चन समझे। देखो जब सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाए तो देख के बता दोगे, पता भी है कि ऑक्साइम कैसे बना, लेकिन क्वेश्चन में दो मॉडिफिकेशन हो सकती हैं। पहला मॉडिफिकेशन आपको सीधे कार्बोनिल कंपाउंड दे दे, और उससे भी बढ़िया कि आप उसका नाम दे दे। आपको ये कार्बोनिल कंपाउंड नहीं दिया, स्ट्रक्चर नहीं दिया, आपको उसका नाम दिया है फॉर्मल्डिहाइड। तो अब बताना है क्या ये GI शो करेगा या नहीं करेगा। तो देखो एक एक हम क्वेश्चन को साथ साथ करते जाते हैं। फॉर्मल्डिहाइड कुछ ऐसा होता है, जब ये इसके साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ से क्या होगा, वाटर रिलीज होगा, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास जो ऑक्साइम बनेगा वो तो बन जाएगा, लेकिन आप तो ये देखो अगर क्वेश्चन करना है कार्बोनिल कंपाउंड पे जो कार्बन पर दो ग्रुप हैं अगर वो अलग अलग हैं तो पक्की बात है GI शो करेगा, अगर वो सेम है तो GI शो नहीं करेगा। मतलब आपको पूरी रिएक्शन करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आपको कार्बोनिल कंपाउंड पता है, उसका स्ट्रक्चर पता है नाम के साथ, तो आप बस ये देखो इस वाले पर दोनों ग्रुप सेम है तो ये आपका GI शो नहीं करेगा। बस इतनी बात मैं सिखाना चाहता हूँ। मान लो दूसरा एग्जाम्पल है आपके सामने एसिटल्डिहाइड। बताओ इस वाले केस में आप क्या करने वाले हो। एसिटल्डिहाइड अगर NH2OH के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या ये रिएक्शन दिखाएगा, मतलब क्या ये GI दिखाएगा। तो देखो एसिटल्डिहाइड क्या होता है, CH3C डबल बॉन्ड O और यहां पर H, क्लियर एकदम अच्छे से। तो देखो इस वाले कार्बन पर, इस वाले टर्मिनल पर वो जो दूसरा टर्मिनल आएगा वो तो रिएक्शन करने के बाद आएगा, लेकिन एक टर्मिनल तो हमें अच्छे समझ में आ रहा है, दूसरा टर्मिनल तो हमेशा अलग होगा। देखो NOH लोन पेयर और बॉन्ड पेयर तो हमेशा ही अलग होंगे, अब उसमें थोड़ा लिखने के तरीके से चेंज हो जाएगा। तो इस कार्बन पर दोनों ग्रुप अलग अलग हैं, दूसरा तो अपने आप ऑलरेडी अलग है ही पहले से लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के साथ कुछ इस तरीके से, तो हम बोलेंगे यहाँ पर ये आपका GI शो करने वाला है। ऐसे ही मान लो और कुछ डरावने से कंपाउंड आ जाए, जैसे मान लो बेंजो फिनोन आ जाए, है ना, मैं लिख देता हूँ बेंजो फिनोन आ जाए। ऐसे ही अगर आपके पास एसिटो फिनोन आ जाए, ये क्वेश्चन आपको खुद करने हैं, एक का भी आंसर मैं नहीं बताने वाला। ऐसे ही आप मान लो एसिटोन आ जाए तो क्या ये GI शो करेंगे या नहीं करेंगे, मैं लिख देता हूँ। सबसे पहला ये वाला GI शो नहीं करेगा, ये वाला आपके पास एसिटोफिनोन GI शो करेगा। ऐसे ही एसीटोन, ये भी आपका GI शो नहीं करेगा। अब ये क्यों कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं, इस चीज़ को आपको घर से करना है, आपका होमवर्क है। आपको स्ट्रक्चर नहीं आते हैं तो स्ट्रक्चर ढूंढिए, खोजिए और फिर इन स्ट्रक्चर को लिखिए और बताइएगा क्यों नहीं हो रहा है, ठीक, क्लियर एकदम अच्छे से। तो ये हमारे पास पूरी कहानी होती है ऑक्साइम्स की, क्लियर है। अभी तक हमने तीन सिस्टम को कवर किया है, सबसे पहले एल्किन्स, दूसरा साइक्लोएल्केन्स और तीसरा हमारे पास है ऑक्साइम्स। अब एक और यहीं पर छोटा सा मैं बता देता हूँ, यहाँ पर मैंने बात की थी एन डबल बॉन्ड एन सिस्टम की। देखो यहाँ पर लोन पेयर है, यहाँ पर बॉन्ड पेयर है, यहाँ पर लोन पेयर है, यहाँ पर बॉन्ड पेयर है, तो ये सिस्टम तो हमेशा ही आप कोई भी ग्रुप लगा लो यहाँ पर, अरे ग्रुप तो यहाँ पर और यहाँ पर ही लगेंगे, वो तो सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन यह वाले जो कैटेगरी ऑफ कंपाउंड्स होते हैं, यह कंपाउंड्स हमेशा ही आपके GI को शो करने वाले हैं, हमेशा ही GI दिखाने वाले हैं। इसमें कभी भी कोई एक ऐसा केस नहीं हो सकता जहां पर GI देखने को ना मिले, एकदम क्लियर, एकदम अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यही बात आपको समझानी थी। तो ये हमारा लेक्चर था जो कि GI के डिफरेंट सिस्टम से रिलेटेड है। अब जो अगला लेक्चर है वो और इंटरेस्टिंग लेक्चर है, जहां पर मैं आपसे साइक्लोएल्कीन्स के बारे में बातें करूंगा और बहुत ही मजेदार बात बताऊंगा। फिर मैं आपसे क्यूमिलीन सिस्टम, जो कि IIT JEE एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन होता है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं, और नेट का जो पार्ट भी है उसमें भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के क्वेश्चन आ जाते हैं। देखो जरा ध्यान समझना, सर आपने GI क्यों पढ़ाया, हमारे में तो जो मेन है ऑप्टिकल आइसोमर्स है। तो आप ही मुझे बाद में बोलते सर हमें GI नहीं आता तो सर क्या फ़ायदा हमें, जो आगे भी चीज़ें समझ नहीं आ रही। इसलिए मैं एकदम बेसिक से उठाते हुए चल रहा हूँ। जब आप पेरीसाइक्लिक केमिस्ट्री पढ़ोगे तो वहाँ पर EZ नेमिंग का बहुत अच्छा यूज़ होता है। अगर आपको अभी मैं EZ नहीं सिखाऊंगा तो आगे मैं अगर आपसे उम्मीद करता हूँ तो दुनिया में उम्मीद रखना ही बहुत बड़ा पाप होता है। इसलिए मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ, एकदम बेसिक से एकदम हायर तक लेके चल रहा हूँ। बस जो सिखा रहा हूँ उसको बढ़िया से नोट्स बनाओ, उसको बढ़िया से सीखो, और साथ में मैं जो असाइनमेंट जब दूंगा तो उस असाइनमेंट को करो, ठीक है। अभी वो पुरानी सारी टेंशन हटाओ कि सर उसका असाइनमेंट, आप अभी जो सीख रहे हो उसको कितना बढ़िया से सीख रहे हो, वो सब मैं लेने वाला हूँ और अभी हो जाएगा बहुत जल्दी, ठीक है।